अमरपुर थाना क्षेत्र के इंग्लिश मोड़ पुंसिया मुख्य पथ पर कथैल गांव से पहले डायवर्जन के समीप सड़क लुटेरों ने बुधवार के अहले सुबह करीब 2 बजे वाहन चालकों से जमकर लूटपाट किया। सूचना मिलते ही अमरपुर थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार राय, सैनिक खुर्शीद, आलम पुलिस बलों के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर एक अपराधी को खदेड़ कर गिरफ्तार कर लिया, जबकि 3 अपराधी पुलिस को चकमा देकर भागने में कामयाब हो गए। गिरफ्तार युवक क्षेत्र के मादाचक गांव निवासी पंकज कुमार साह बताया गया। मौके पर पीड़ित पिकअप चालक छोटू कुमार ने बताया कि बंगाल के कठुआ शहर से अपने वाहनों से आम लूटकर बांका पुंसिया होते हुए इंग्लिश मोड़ आ रहा था, जहां से सुल्तानगंज जाना था। तभी कठुआल गांव के समीप डायवर्जन के पास 4 हथियारबंद युवकों ने मेरी वाहन को रोक दिया और फिर उसमें से सारा सामान लूटकर मारपीट करते हुए भागने में सफल हो गए। क्या हुआ है तुम्हारे साथ? छिनछोरे हुआ है माला चौक के पास और समझ सका कि पैसा को मोबाइल सब ले लिया। मारा पीटा भी है तुम लोग को? मारा पीटा है। कितना लोग था वो लोग? लगभग 3-4। उन लोग के पास क्या था? पिस्तौल था और हाथ में पहनने वाला था और लाठी डंडा से मारपीट किया, गाली गलौज किया। कितना पैसा लिया तुमसे? 9,000। और 2 मोबाइल, 1 चैन। अच्छा अच्छा, कितना लोग था वो लोग छीनने वाला? 3-4 थे। थाना में आवेदन दिए? जी। क्या चीज़ से तुम थे? पिकअप वैन से। कहाँ जा रहे थे? सुल्तानगंज। आ कहाँ से रहे थे? बंगाल कठुआ से। इस बीच एक ट्रक चालक से भी लुटेरों ने लूटपाट किया। मौका मिलते ही घटना की सूचना थाने में लिया। थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार राय ने बताया कि लूटपाट में 4 युवक शामिल थे। पुलिस को देखते ही 3 लुटेरा फरार होने में कामयाब हो गए। क्या हुआ आपके साथ? मारपीट हुआ, पैसे छीना सर। कहाँ पे? माता चक के पास। कितना लोग था वो लोग छीनने वाला? 3-4 थे। उसके पास कुछ हथियार भी था? हाँ, हथियार था तीन के पास। क्या क्या था? पिस्तौल था, एक बड़ा बड़ा सामान था। अच्छा, आप लोग कहाँ से आ कहाँ रहे थे? हम संख्या मोड़ से आ रहे थे। जाना कहाँ था? कहलगांव जा रहा था। ड्राइवर अच्छी है। तलाशी के दौरान युवक के पास से एक देशी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, 1 फाइटर पंच, 1 मोबाइल और 3,000 रुपए बरामद किया गया। गिरफ्तार युवक के निशानदेही पर फरार लुटेरों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी किया जा रहा है। जल्द ही सभी अभियुक्त सलाखों के पीछे होंगे। फिलहाल गिरफ्तार अपराधी को पुलिस अभिरक्षा में अस्पताल परिसर में कोरोना जाँच कराते हुए न्यायिक हिरासत में बांका भेजा गया है। अपना मुंगेर के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। हर छोटी बड़ी खबर पर है हमारी पैनी नजर। पल पल की खबरों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यही है धड़कन मुंगेर की।